हेलो बच्चों, मेरा नाम है नरेश कुमार और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ साइन कॉस क्लासेस पर। देखो बच्चों, ये एक क्लास का क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ो इसको। यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। हमको क्या करना है, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी यूज करके हमको क्या करना है, इसको इस सम को सॉल्व करना है, ठीक है? तो पहले समझते हैं रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है। इस प्रॉपर्टी के अनुसार हमको किस पे फोकस करना है, डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। क्या होना चाहिए, या तो डिनोमिनेटर मल्टीपल होना चाहिए, उसको एक साथ रखो, नहीं तो जिसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, उसको एक साथ रखो। तो यहां देखो, 3 का मल्टीपल क्या होगा, 6, तो इसको और इसको क्या रखो, एक साथ रखो। 4 का मल्टीपल क्या होगा, 8, तो इन दोनों को क्या करो, एक साथ रखो। तो क्या करेंगे सर, -8/3 प्लस -11/6, इसको एक साथ रखो, प्लस -1/4 प्लस 3/8, इसको एक साथ रखो। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बोलो, 6 हो जाएगा। 3 2 जा यानी -16 प्लस 6 1 जा यानी -11। ये देखो प्लस यहाँ 4 8 का एलसीएम 8, राइट। 4 2 जा यानी -2 प्लस 8 1 जा यानी 3। यस, नेक्स्ट देखो यहाँ, ये क्या हो जाएगा, 6 और दोनों माइनस में, -16 और -11, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तुम लोगों को पता है। तो -16 और -11 यानी 6 + 1 7 और 1 1 2 -27 प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 और ये 1, राइट। अब क्या करेंगे, इसका इसका एलसीएम लो, कितना होगा इसका इसका एलसीएम, कितना हो जाएगा, 40 नहीं, कितना होगा, कर लेते हैं यहाँ 6 8 2 3 4 यानी 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। अब कितने टाइम्स में, 6 4 जा यानी -27 × 4 प्लस 8 3 जा यानी 3 × 1 यानी 7 4 जा 28, 2 और 4 2 जा 8 प्लस 2 10 यानी -108 प्लस 3, यहाँ पे क्या होगा, 24। इट मीन्स कि हाउ मच, दैट आंसर इज -105/24। 3 से लगेगा क्या, यस 3 से कट होगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -35/8, ठीक है? तो रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी यूज करके हम क्या करेंगे, इस तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? क्या होता है प्रॉपर्टी, सिंपल सी है सर, हम क्या देखेंगे, या तो मल्टीपल देखेंगे, तो 3 का मल्टीपल क्या होता है, 6 होता है, 4 का मल्टीपल क्या होता है, 8 होता है, या तो ये देखेंगे, नहीं तो दूसरा क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर सेम जिसका होगा उसको एक साथ रखेंगे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसका इसका डिनोमिनेटर क्या है, देखो यहाँ सेम है, तो इसको इसको क्या कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं और बाकी को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -6/7 प्लस -15/7, इसको एक साथ रख लो, प्लस -5/6 प्लस -4/9, ये कितना हो जाएगा, 7 और ये -6 प्लस -15, यहाँ प्लस, ये 6 और 9 का एलसीएम 18, यस 18, कितने टाइम्स में, 3 यानी -15 प्लस, राइट, 2 -8, राइट। अब यहाँ -6 है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख दूँ क्या, -21/7, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों को एक साथ कर लेंगे, और इसमें भी प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, -23/18, ठीक है? अब क्या कर लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 7 और 18 का, कितना हो जाएगा, 126 यानी कितने टाइम्स में, 18 टाइम्स में, यानी -21 × 18 प्लस -23 × 7, राइट। 18 1 जा 18 1 18 2 जा 36, 36 + 1 37 -378 प्लस प्लस इनटू माइनस माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट, क्या होगा, 7 3 जा
21 बचा कितना 2, 7 2 जा 14, 14 15 16 बाय 126, सो दैट वन 9, 7 प्लस 6 13 और 3 प्लस 1 5 माइनस 126, किसी से लगने वाला है क्या? यस आई थिंक 7 से, यानी 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और दैट वन 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56, इट मींस कि हाउ मच माइनस 77 बाय 118, माइनस 77 बाय 18, ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी को लगाकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन एक था तुम्हारा, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। पहले रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं। कोई भी एक रेशनल नंबर ले लो 8/9, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मैं बताया हूं क्या होगा, इसको रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा इसका रिवर्स 9/8, ठीक है। एक एग्जांपल ले ली, तुम कोई भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब हम 9 ले लिए और प्रोडक्ट किस तरह से, इट्स रेसिप्रोकल, इट मींस की 9/8 क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो आंसर हमारा क्या होगा 1 होगा। ऑलवेज अगर कोई भी प्रोडक्ट ले लो रेशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल का, तो हमेशा क्या देगा, ये 1 देगा, ठीक है। चलो यहीं पे स्टॉप करते हैं। देखो बच्चों, इस तरह जो भी तुमको डाउट है, ठीक है ना, इस प्रॉब्लम में नहीं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम में अगर डाउट आ रहा है तो क्या करो, उसका स्क्रीनशॉट लो और नीचे दिए गए टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दो। चाहे कोई क्वेश्चन में डाउट हो या किसी टॉपिक में, अगर टॉपिक में भी डाउट हो तो क्या करो, मैसेज कर दो, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड वीडियो के फॉर्म में कर दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।